लोजपा को कहीं न कहीं पूरे भारत में आप नेशनल पार्टी का रूप देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि पार्टी के संगठन का विस्तार हो और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर के निकले। जिस तरीके से हम लोग का प्रदर्शन ऑलरेडी विभिन्न और प्रदेशों में अच्छा रहा है, बिहार में अब हम लोग की सरकार है, हमारे मंत्री है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारे मंत्री है, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस सरकार में मंत्री है, छह हमारे सांसद है। अब मैं चाहता हूँ कि पार्टी अगल बगल के जो राज्य हैं जहाँ पे पार्टी का पहले से जनाधार रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी का पहले भी उत्तर प्रदेश में जनाधार रहा है, 17-17 हमारे सांसद रहे, तो हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का वहाँ पर विस्तार हो, संगठन हमारा मजबूत हो। आगामी 2019 में हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन में हम लोग कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और 2022 में तो हम लोग पूरी तरीके से चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से चुनाव। यूपी में भी आपके कैंडिडेट होंगे? बिल्कुल, ऑफकोर्स। कहीं ना कहीं जिस ढंग से सवर्ण के लिए 15% आरक्षण की मांग आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने किया, तो और भी आपके सवर्ण कम्युनिटी के लोग आपके पार्टी से जुड़े हैं पूरे देश में? देखिए, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सर समाज की बात की है, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए मुद्दे हो। हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा एससी एक्ट को लेकर पार्टी ने मजबूती से अपनी बात को रखा, भले वो पिछड़ा वर्ग को लेकर हो, मंडल कमीशन लागू करने से लेकर उसको संवैधानिक दर्जा उस आयोग को दिलाने का काम हमारी पार्टी ने मजबूती से अपना सहयोग उसमें दिया। अल्पसंख्यकों की बात हो, मजबूती से पार्टी ने अपनी बात को रखा। 2005 में अगर आपको बिहार के विधानसभा के चुनाव याद हो तो हमारी पार्टी ने पूरा सरकार बनाने का मौका छोड़ दिया इस बात का को रखते हुए कि कोई एक मुसलमान मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। तो किसी भी समाज की बात की हो, हमारे नीचे चेहरा जाग रहा, मजबूती से अपनी बातों को रखा। वहीं स्वर्ण